गुमला जिला कामरा प्रखंड रामपुर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं एवं मिलने वाली मानदेय से असंतुष्ट होने के कारण विकास के कार्य को करने में असुविधा हो रही है। आपको मानदेय कितना मिलता है? एक वार्ड सदस्य को 200 रुपया मिलता है, उप मुखिया को 500 रुपया मिलता है और मुखिया को 1000 रुपया मिलता है। मैं उप मुखिया हूँ इसलिए मुझे हर महीने 500 रुपये मिलने का है प्रावधान है, लेकिन अभी तक मुझे 4500 रुपया ही मिला है जबकि 2 साल होने जा रहा है। 500 रुपया में आपका गुजर बसर हो जाता है? 500 से क्या होने वाला है, पंचायत में मीटिंग आना जाना, गांव में ब्लॉक में जाने का खर्चा तो लगता है, तो मेरे लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। और जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ना तो इंदिरा आवास मिला ना शौचालय, ना तो हम पीसीसी में भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई नरेगा में भी काम नहीं कर सकते हैं। क्या आप जनप्रतिनिधि में दोबारा आना चाहते हैं? जी नहीं, हम दोबारा आना नहीं चाहते हैं क्योंकि परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि परिस्थिति को देखते हुए जनप्रतिनिधियों को भी सरकारी योजना से जोड़ा जाए, उन्हें आवास दिया जाए, शौचालय इत्यादि, और मानदेय को भी बढ़ाकर दिया जाए तो अच्छा है। झारखंड के गुमला जिला में हर 5 वर्ष के लिए कुल 1578 जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है। झारखंड सरकार से अपील है कि जनप्रतिनिधियों के बेहतर काम करने एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करें ताकि ग्राम स्वराज की सपना साकार हो सके। अतः आप तमाम वीडियो देखने वाले साथियों से हम अपील करते हैं कि ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। मैं शांति, गुमला जिला झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।